हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आवाज़ कम करना थोड़ा। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के, और शाम के बज रहे हैं 7:20 हो रहा है। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर मोबाइल तो मेरे पास रहता नहीं है, ये सब लेके दुकान पे चले जाते हैं, तो दिन भर कोई ब्लॉग नहीं बनता है। मैं सोच कि अभी तो मतलब कम से कम ब्लॉग थोड़ा सा भी बना दूँ आप लोगों के लिए। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी सब अच्छे हैं। और आज 3-4 दिन से रोज़ लगातार बारिश हो रहा है, और देखिए अब कितने दिन तक बारिश होगा। लेकिन बारिश कितना भी हो रहा है, लेकिन पानी अभी उतना नहीं आ रहा है हम लोग के कॉल या मोटर कुछ भी में। थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो उसी से अभी काम चल रहा है, बाहर से नहीं लाना पड़ रहा है। लेकिन 2-3 दिन और बारिश हो जाता तो कहीं पानी उठा लेगा कि पता नहीं क्या करेगा। पानी मतलब आ जाएगा कॉल में, मोट पानी आएगा तब तो टंकी में जाएगा। टंकी एकदम 3 तला के ऊपर है, तो उसमें पानी जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तो 2 तला पर पानी आ ही नहीं रहा है, तो 3 तला पर कहाँ से जाएगा। तो चलिए खाना रखी हूँ बनने के लिए, तो चलिए किचन में चलते हैं। और यहाँ बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो खाना आटा गूंद के मैं गई थी ब्लॉग स्टॉप, सोची कि थोड़ा सा ब्लॉग भी स्टार्ट कर, तावा रख के गई हूँ, एकदम गर्म हो गया, ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तावा चढ़ा के गई थी। होता है ना, दिमाग से निकल जाता है कितना काम करे। हम लोगों का तो काम 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 काम, सुबह उठो तो काम, शाम को काम, सिर्फ सोने के टाइम में आराम मिल रहता है, नहीं तो काम ही काम। तो खाने में बन रहा है, कहाँ रखूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ के होता भी नहीं है ब्लॉग बनाना। तो चलिए बैक कैमरा कर दी, दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्जी, सूखी सब्जी बनाऊँगी ये। अभी मतलब मसाला डाली हूँ भूजने के लिए, और थोड़ा ये मतलब सीझेगा भी, अभी नहीं सीझा है। तो आलू परवल की सब्जी, और उसके साथ बन रहा है रोटी। तो सब्जी में तो सब्जी डाल दी हूँ, आटा यहाँ पे गूंद के रखी हूँ, तावा चढ़ाई हूँ, और फटाफट रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। चकला बेलन निकालती हूँ। तो देखिए मैं रोटी बना ली, और पूरा पसीना कितना हो गया, थोड़ा पसीना पोंछ लेते हैं। हाय रे गर्मी, गर्मी इतना है कि मत पूछिए, बारिश हो रहा है फिर भी गर्मी। तो मैं रोटी बना, यहाँ पे बन गया है मेरा रोटी, और इसको मैं रख दी हूँ इसमें। देखिए रोटी बन गया, ढक देते हैं इसको, ऐसे फोल्ड कर देते हैं, नहीं तो नीचे पूरा गीला हो जाता है। इसको ऐसे मैं मोड़ देती हूँ, और यहाँ पे सब्जी भी ऑलमोस्ट आधा हो ही गया है, थोड़ा सा कसर इसमें बाकी है। देखिए कितना टेस्टी सब्जी हुआ है, मतलब अभी हम लोग के घर में ज़्यादा करके यही सब्जी बनता है, परवल और आलू की सब्जी, सबको अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ऐसे मैश कर देती हूँ, तो ये आलू थोड़ा मैश हो जाता है, तो और अच्छा लगता है, घुला घुला टाइप का हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि अभी ये मतलब भूज रही थी इसको मैं, तो ये कम से कम 5 मिनट और बनेगा, लेकिन ऐसे भी ये हो गया है। ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी। हो गया, इतना ही डालूँगी, और कम से कम 2-3 मिनट 5 मिनट तक इसको बॉयल आएगा, उसके बाद ये सब्जी भी डन हो जाएगा। लटपट जो होता है वही बना है सब्जी। इसको ढक देते हैं। मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, बच्चों वाले रूम में, और खाना तो ऑलमोस्ट बन ही गया है। और आज मैं इस वाले बेड का कल चादर धोई थी, तो चादर तो लगा दी, लेकिन तकिया खोल ऐसा ही रखा है, नहीं लगाए तो अभी तक लगा भी नहीं है, और कोई लगाने वाला थोड़ी ना है, मैं मुझे ही लगाना पड़ेगा, तो अभी तक ऐसे ही रखा है। तो मैं थोड़ी देर में लगाती हूँ, चाहे छोड़ दूँगी, कल भी लगा सकती हूँ, क्योंकि इस वाले रूम में कोई सोता नहीं है। और हस्बैंड है तो अभी तक वो आए नहीं हैं, गए हैं बाबा धाम, गए सोमवार के दिन गए सुबह में, तो वो अभी तक नहीं आए हैं। तो आज वो लोग पटना थे शायद, बाबा धाम उन लोग का दर्शन हो गया है, वो लोग पटना हैं,
तो देखिए कल बोले हैं कि कल दोपहर तक आ जाएंगे बोल के, तो देखिए कब तक आते हैं। और तो इसीलिए मतलब एक ही रूम में हम दोनों बच्चे और मैं सो जाती हूँ, इस वाले रूम में कोई नहीं सोता है। गर्मी से मतलब खुजली होने लगता है पसीने से, तो यही। और इसीलिए बच्चे चले जाते हैं शॉप में तो मोबाइल भी लेके चले जाते हैं, तो सुबह में कोई ब्लॉग भी मैं नहीं बना पाती हूँ। तो दो तीन एक आज हाँ आज आज ऐसे ही हो जाएगा, मतलब आज का दिन भी ऐसा ही हो गया। कल से होगा तो मैं ब्लॉग वो करूँगी, सुबह में बनाऊँगी। पता नहीं खुजली क्यों होने लगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा क्लिप भी शूट कर दी आप लोगों के लिए। डेली ब्लॉग डालती हूँ, एक दिन नहीं डालती हूँ तो पता नहीं अजीब सा लगता है, तो सोची कि थोड़ा सा भी क्लिप जब शूट कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए डाल दूँ। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अच्छा लगता है देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सारे फ्रेंड को, ये सब मेरा पता नहीं खुजली कर रहा है गर्मी से, मिलूँगी मैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सारे फ्रेंड को बाय बाय फ्रेंड एंड गुड नाइट। Thank you.